खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं कि लैया बार के सीनियर वकील अब्दुल रशीद बुदला एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंस मिलने के एजाज में खातून एडवोकेट की जानिब से तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें दीगर मर्द खवातीन ने भी शिरकत की। तकरीब का अहवाल देखते हैं राना शहरो साजिद की इस रिपोर्ट में। लैया बार के सीनियर वकील अब्दुल रशीद बुदला एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंस जारी कर दिया गया। इसके एजाज में आज लैया में मेवेश शाहिद एडवोकेट की सरबराही में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में खवातीन वकला ने भरपूर शिरकत की। आज की इस पुरोकार तकरीब में अब्दुल रशीद बुदला एडवोकेट ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में शिरकत करने वाली खवातीन वकला में शुबाना रोही, नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लैया, सारिया सत्तार लाइब्रेरी सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार लैया, सीनियर एडवोकेट उम्मे कुलसूम, सोबिया शाहीन, नादिया जाफरी, रुकैया थिंद, एडवोकेट शाहीन और एडवोकेट रहमत समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में शुरका की जानिब से अब्दुल रशीद बुदला एडवोकेट को मुबारकबाद दी गई, मिठाइयां भी तकसीम की गई। मेवेश शाहिद एडवोकेट का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, अब्दुल रशीद बुदला एक ऐसी शख्सियत है जिनसे हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब्दुल रशीद बुदला एडवोकेट ने लैया में हमेशा मुस्बत वकालत की है। लैया बार और लैया की आवाम के लिए इनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। एडवोकेट अब्दुल रशीद बुदला को ये एजाज भी हासिल है कि वो लैया के पहले वकील हैं जिन्होंने लैया के एड्रेस पर सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस हासिल किया है। अब्दुल रशीद बुदला एडवोकेट का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, मैंने कभी छुट्टी नहीं की, रेगुलर अदालत आता रहा। और फिर जब मेरा हाई कोर्ट का लाइसेंस बना है, जिस दिन मुझे लाइसेंस इशू हुआ है 14 अप्रैल 2001 को, उस दिन पहले दिन ही मैं हाई कोर्ट पेश हुआ था और रेगुलर पेश होता रहा। तो ये जो आज मेरी कामयाबी है, मुझे ये लाइसेंस मिला है, मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस लैया की है। मैं पहला वकील हूं जिसकी प्लेस ऑफ बिजनेस लैया है और सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मिला है उसे। तो इसमें सारी कंट्रीब्यूशन जो है ये मेरी मेहनत नहीं है, इसमें कंट्रीब्यूशन मेरे सीनियर्स की है, मेरे जूनियर वकला की है और मेरे जो मेरे ऑफिस का स्टाफ है ये उनकी भी मेहनत है। और जो अदालती एहलकार हैं उनसे भी कभी कोई चीज़ पूछने में मैंने कोई आर महसूस नहीं की। तो ये कामयाबी जो है ये डिस्ट्रिक्ट बार के चाहे जुडिशल स्टाफ है और क्लर्क साहबान हैं और वकला साहबान हैं, ये हम सबका जॉइंट वेंचर है, ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो उस वक्त भी मैंने इंटरव्यू से एक दिन पहले कुछ जूनियर मुझसे वकला है, मैंने उनसे असिस्टेंस ली। कुछ रेगुलर बुनियाद पर काम करना, अपने जूनियर और सीनियर से सीखना, अपने पेशे के साथ मुखलिस होना इंसान को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार कर देता है। कैमरा टीम कैमरा राना शहरोज साजिद, वॉइस टुडे न्यूज, लैया। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत।